हाँ जी दोस्तों, आज के इस लेसन में आपको सिखाने जा रहा हूँ आरती गिनती के माध्यम से, और इतने आसान तरीके से गिनती के माध्यम से सिखाऊंगा कि आप एक ही बार में इस आरती को बजाना सीख जाएंगे। बस फोकस करना है कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ और समझाने क्या जा रहा हूँ। देखिए, ये आरती हम टोटल 7 स्वरों पर निकालेंगे। पहला स्वर 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मैंने 7 स्वरों को मेंशन कर दिया। पहला स्वर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इन 7 स्वरों पर हम अपनी आरती निकालेंगे। देखिए, पहली लाइन है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सबसे पहले सीखेंगे जय गणेश कैसे बनेगा। जय गणेश बनेगा 2 2 3 3, दो बार दो दो दबाएंगे, 2 2 3 3 जय गणेश, ये बन गया जय गणेश। उसके बाद फिर से जय गणेश, जय गणेश जय गणेश, 4 4 नंबर स्वर 4 बार दबाना है। देखिए कैसे है, जय गणेश 2 2 3 3 4 4 4 4, सिंपल। पहली लाइन क्लियर, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। 2 नंबर स्वर, 3 नंबर स्वर और 4 नंबर स्वर, ये गिनती के 3 स्वर हम यूज़ करने हैं इस लाइन में। और इसकी जो स्वर लिपि है, यानी कि जो इसके स्वर हैं, देखिए 2 2 3 3 4 4 4 4, अगर स्वर में गाएं तो कैसे आएगा, जय गणेश ऐसे आएगा। एक बार और देख लीजिए, जय गणेश, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन है जय गणेश देवा, तो जय गणेश देवा बनेगा जय गणेश देवा, इसमें क्या है 4 4 5 4 3 3, ये बन गया जय गणेश देवा। ये आपकी दूसरी लाइन है जय गणेश देवा, 4 4 5 4 3 3 जय गणेश देवा, सिंपल। आपने 2 लाइनें सीख ली। अभी मैं ये 2 लाइनें कंप्लीटली बजा के दिखा रहा हूँ कैसे, जय गणेश देवा, खाली बजा के दिखा रहा हूँ। एक बार और देख लीजिए, सिंपल, बस हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन है माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, तो सबसे पहले सीखेंगे माता जाकी पार्वती। तो माता जाकी पार्वती शुरू होगा 1 नंबर स्वर से, देखिए ये बन गया माता जाकी, 1 1 2 1, यानी कि 1 1 2 1, ये बन गया माता जाकी। देखिए पार्वती कैसे बनेगा, 3 से पार्वती, देखिए माता जाकी पार्वती, 1 1 2 1 3 3 3 3, ये बन गया माता जाकी पार्वती, सिंपल। बस क्लियर, 3 स्वरों पर 1 2 3, और कैसे है, 1 1 2 1 3 3 3 3, 4 बार 3 स्वर दबाना, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी लाइन है, आगे वाली लाइन है पिता महादेवा, 4 4 3 3 2 2 पिता महादेवा, 4 4 3 3 2 2, सिंपल। आपका आधी आती कंप्लीट, बस फाइनल। अभी मैं आपको ये पूरा पहला पार्ट बजा के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे शुरू से बजा रहा हूँ। सिंपल, ये आपका आरती का स्थाई पार्ट है। देन अभी बढ़ते हैं अंतरा पाठ की तरफ। तो अंतरा पाठ भी आपका 2 नंबर स्वर से उठेगा। तो अंतरा पाठ के बोल हैं एक दंत दयावंत, देखिए कैसे, इसमें स्वर लग रहे हैं 2 2 4 5 7 7 7 7, कैसे 2 4 5 7 7 7 7, 4 बारी 7 दबाना, 2 2 5, देखिए 2 2 4 5 7 7 7 7, ये बन गया एक दंत दयावंत, देखिए सिंपल।
फिर चार भुजाधारी, आगे वाली लाइन चार भुजाधारी, इसमें आ रहा है छ सात पाँच चार, चार भुजाधारी छ सात पाँच चार। देखिए कैसे, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, सिंपल। दोबारा देखिए, सिंपल। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी, सेम बजेगा, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी, सेम। दो दो चार पाँच सात, सात 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 छ सात पाँच चार, ये आपकी पूरी लाइन की नोटेशन है, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। देन उसके बाद तीसरा पार्ट है, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, ये आपका सेम वैसे ही बजेगा जैसे आपने शुरुआत में बजाया ना, पान चढ़े फूल चढ़े, जैसे हमने बजाया था ना जय गणेश देव, वैसे ही बजेगा। ये पार्ट मैं बजा के दिखा रहा हूँ, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, कैसे है? दो सॉरी दो दो तीन तीन चार 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 चार, पान चढ़े फूल चढ़े, दो दो तीन तीन चार 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 चार, पान चढ़े फूल चढ़े। देन और चढ़े मेवा, और चढ़े मेवा, चार पाँच चार पाँच चार तीन तीन, चार पाँच चार पाँच चार तीन तीन। देन लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग कैसे, एक एक दो, लड्डुअन का एक एक दो एक, ये बन गया लड्डुअन का भोग लगे, भोग लगे, चार बार तीन स्वर को दबाना। देन संत करे से, चार चार तीन तीन दो दो, सिंपल। बस यही है आरती में, और कुछ सीखना नहीं है। अभी मैं आपको शुरू से ही आरती पूरी कंप्लीट बजा के दिखा रहा हूँ, स्लो में बजा के दिखाऊंगा, देखिए कैसे है। अंतरपाठ सिंपल। बस यही था आरती में, कुछ नहीं, सिर्फ टोटल आपके सात स्वर लगे हैं, पहला स्वर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, इन सात स्वरों पर आपकी पूरी आरती वही घूम रही है। सिर्फ दो लाइनें आपकी स्थाई की सीखने को थी, स्थाई में सिर्फ दो लाइनें आपको सीखनी थी, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ये आपकी स्थाई की दो लाइनें थी। देन अंतरा की लाइन थी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी, ये आपका अंतरा पाठ सीखने को था। सिर्फ ये स्थाई की दो लाइनें और दो लाइनें अंतर की, और इसी के ऊपर आपकी पूरी आरती चलती रहेगी। कुछ मुश्किल नहीं है इस आरती में, बिगनर से बिगनर, बच्चे से बच्चा, जो अपनी लाइफ में पहली बार इस पियानो या हारमोनियम या कीबोर्ड किसी भी चीज़ को बजाने की कोशिश कर रहा है, इस आरती को बजाना सीखना चाह रहा है, तो मिनटों में आप इस आरती को बजाना सीख सकते हैं अगर आप मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हर एक लाइन को काफ़ी दफ़ा रिपीट किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करिए, और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, शुक्रिया।